दोस्तों, अगर आप भी डेविड वार्नर और रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के महामैच से पहले डेविड वार्नर ने की भविष्यवाणी, इस टीम को विजेता बताते हुए किया भारतीय क्रिकेट जगत को हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच अब से कुछ दिन के बाद खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन इस बीच मैच के शुरू होने से पहले ही तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के महान सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इस मैच के लिए भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसी टीम को विजेता घोषित कर दिया है, जिसका नाम सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार डेविड वार्नर ने भारत ऑस्ट्रेलिया मैच को लेकर भविष्यवाणी करते हुए क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा में से कौन सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच खेला जाने वाला है। जी हां दोस्तों, पहले लीग स्टेज में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सामना नहीं हुआ, लेकिन सुपर 8 राउंड में दोनों टीम पहुंच चुकी है, जहाँ पर दोनों टीम के बीच ये मैच 24 जून को खेला जाएगा, जिसके लिए अब दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन इस बीच मैच के शुरू होने से पहले ही तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम के महान सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भविष्यवाणी करते हुए सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल डेविड वार्नर ने भविष्यवाणी करते हुए बयान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच खेला जाएगा। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को सबसे बड़ा मैच माना जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों टीम के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ पर पाकिस्तान की टीम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच को आप सबसे बड़ा मैच मान सकते हैं, क्योंकि दोनों टीम बिल्कुल टक्कर की टीम है, और भारतीय टीम को तीनों फॉर्मेट के अंदर अगर किसी टीम ने सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी अगर किसी ने परेशान किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम है। ऐसे में अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच खेला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने इस बार वर्ल्ड कप में अभी तक काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए लगातार जीत दर्ज की है, तो दूसरी तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लगातार जीत दर्ज करने का कार्य किया है, जो बताता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह मैच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन इस बार के T20 वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा खराब तरीके से देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम चैंपियन बन पाएगी। तो दूसरी तरफ हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम का सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोनों टीम के बीच में अब एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है, और इस मैच में हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिलने वाली है, क्योंकि हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास में सबसे खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं। ऐसे में अब भारतीय टीम हमारे खिलाफ हार के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।